बुधवार को मुख्य अतिथि नगर विधायक राधामोहन दास अग्रवाल व जिलाधिकारी के विजयन पांजन की अध्यक्षता में नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दरगैया का शिलान्यास व भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बी एन सिंह, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र ब्रह्मचारी शर्मा एवं जिला समन्वयक निर्माण सहित अन्य अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कहा, मैं पूरे गर्व और विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके माननीय जिलाधिकारी माननीय विजयेंद्र पांडेय जी उन कुछ अधिकारियों में से एक होंगे जिन्हें गोरखपुर की जनता आप कभी न जाने चाहेंगे, लेकिन प्रकृति का नियम है, आप जाएंगे तो लोग आपको याद करेंगे। जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, गोरखपुर में जो विकास की एक नई धारा शुरू हुई है, योगी जी ने तो पैसा दिया है, जमीन पर उतारने का काम उनके सपनों को अगर किसी ने किया है तो हमारे गोरखपुर के जिलाधिकारी ने किया है। और जितनी हल्की तालियां आप बजा रहे हैं, इतनी हल्की तालियों के वो हकदार नहीं है। हमने देखा है कोरोना काल में क्या हुआ है, आप जानते हैं कि मैं प्रबंधन का माहिर हूं और मैं किसी भी ऐसे आदमी को अंदर से स्वीकार नहीं करता हूं जो मुझसे बेहतर प्रबंधन करता हो। लेकिन हम लोग दंग रह गए थे जब पूरे शहर में एक एक घर ऐसा था जिसके सदर के सामने सब्जी बेचने वाला आवाज लगाते हुए पहुंच नहीं गया, एक नागरिक नहीं था जिसे यह कहना पड़ा कि हमें अनाज नहीं मिला, हमें दूध नहीं मिली, हमें फल नहीं मिला, हमें दवा नहीं मिली। एक अद्भुत शांतिपूर्ण क्रांति गोरखपुर में हमारी गोरखपुर की प्रशासनिक मशीनरी ने किया था। और मैं यहां नहीं, कहीं भी बोलता हूं प्रदेश में, आप जानते हैं मैं बोलता हूं, मेरी बुराई है कि मैं बोलता हूं, और बोलता हूं तो दमदारी के साथ कहता हूं। आज मैं विधायक हूं, कल कहीं और होऊंगा, दिखाऊंगा और प्रशासन को बताऊंगा कि प्रशासन होता क्या है, अगर कर ले तो क्या नहीं कर सकता है। मैं आभारी हूं माननीय जय जगदीश यादव जी का, माननीय केदार मौर्या जी का और माननीय मुन्ना लाल जी का, मुन्ना सिंह जी का और उनकी टीम के सारे सदस्यों का। हम बच्चे थे तो भूदान आंदोलन के बारे में पढ़ा करते थे विनोबा भावे के, हमने कल्पना में नहीं सोचा था कि एक बार हम लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप ये जमीन हमें दे दीजिए तो आप करोड़ों की जमीन एक कागज पर दस्तखत करके हम लोगों को दे देंगे। हमारा आपका संबंध उस दिन से है जब मैं पहली बार विधायक बना, आपने कहा कि यहाँ एक व्यायामशाला बनवा दीजिए, पहलवानों का मोहल्ला है डीएम साहब, ये सारे पहलवान यहीं रहते हैं। आपने मुझसे कहा एक व्यायामशाला बनवा दीजिए, मैंने अपनी विधायक निधि से आपको पैसा दिया और एक व्यायामशाला दिग्विजयनाथ जी के नाम पर हम लोगों ने व्यायामशाला यहाँ बनवाई है, उन्हीं के नाम पर इस प्रांगण को हम लोगों ने स्थापित किया और तब से आपने याद रखा और एक बार हमने कहा आपने जमीन दे दिया। आज एक बात हम आपके बिना पूछे डीएम साहब से कहने जा रहे हैं, आपकी सहमति से कहने जा रहे हैं, मौर्या जी आप तैयार है ना, मुन्ना सिंह जी तैयार है ना, जगदीश यादव, मैंने अभी डी जिलाधिकारी महोदय से कहा है यह जमीन समाज की जमीन है, हमारे ये कार्यकर्ता कष्टी भाव से काम करते हैं, जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहते, समाज के हित में इसका उपयोग करना चाहते हैं। मैंने डीएम साहब से आग्रह किया, इस पूरे क्षेत्र में कहीं कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एम्स एक बहुत बड़ा सेंटर है जहां हर आदमी नहीं जा सकता, और मुझे खुशी है डीएम साहब ने मेरी बातों को सकारात्मक रूप से लिया है। मैं नहीं कहूंगा कि इनके मन में क्या है, मुझे विश्वास है कि जब ये खड़े होंगे, हम इन्हें जमीन दे रहे हैं, हमने जब इन्हें जमीन दिया तो डीएम साहब को समझिए ये विद्यालय शिक्षा विभाग के पैसे से नहीं बन रहा। जो आदमी काम करने वाला होता है वो हर परिस्थिति में काम कर लेता है, काम करने के रास्ते खोज लेता है, नहीं रास्ते होते हैं तो बना लेता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला कि डीएम साहब ने हमारे बीच में खनन अधिकारी जी बैठे हुए हैं, अर्जुन कुमार जी बैठे हैं, उनके माध्यम से खनन विभाग के माध्यम से धन प्राप्त किया और डीएम साहब ने कहा कि हम खनन विभाग से आपको पैसा देते हैं, ये विद्यालय सरकारी है, बने कोई हटेगा नहीं। भविष्य के लिए प्रशासन विधायक जी ने
एक अपील किए हैं, मैं अभी स्वीकार करते हुए कह रहा हूँ। इसके साथ साथ हम लोग अभी तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बना लेंगे, आपका आजुआ से विजय विधायक जी, दोनों चीज हम प्रारंभ करेंगे। आज को मैं जाकर के एक दो दिन में सैंक्शन करवा देता हूँ तो दोनों हो जाएगा, ताकि स्वास्थ्य एवं शिक्षा से पूरा क्षेत्र का भला मिल जाएगा। और आगे भी जो भी आपका योजना है, वैसे जल भराव जो भी है, आपको समस्या है तो हल करने के लिए हम हमेशा खड़ा होते हैं विधायक जी। आपको और सभी टीम को मैं हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, देखिए यहाँ शहर के अंदर खासतौर पे तीन जगह विद्यालय है ही नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, कहीं मंदिर प्रांगण में पढ़ते थे, नहीं तो पेड़ के नीचे पढ़ते थे। उसका तीन विद्यालय हम लोग बनाने के लिए निर्णय लिए थे। यहाँ का हम लोग का अवेलेबल जो मिनरल फंड के जरिए से कुछ पैसा इकट्ठा किए हैं, उससे प्रारंभ किए हैं, ताकि इसको विभाग कंसर्न विभाग बीएससी विभाग के माध्यम से कोई बजट इस साल अलाट नहीं हुआ हम लोग का। उसका आज एक जगह काफ़ी डिमांड था, नौसड़ी इलाका में, नौसड़ी इलाके में भी शुरू हो गया था, नंदानगर इलाका में आज हम लोग सुबह जा करके शुरुआत किए थे। माननीय स्थानीय विधायक जी भी मौजूद थे, उनका सहयोग से हम लोग का ज़मीन भी मिला है। एक अखाड़ा परिषद थे, उन लोग सरकार के लिए ज़मीन दिए थे, उसका हम लोग प्रारंभ किए आज। और जल्दी ये विद्यालय एक महीने के अंदर बनके जनता के लिए तैयार हो जाएगा। पहले बच्चे पेड़ के नीचे और खुले आसमान के नीचे पढ़ते थे, उन लोगों को थोड़ा राहत मिल जाएगा।